लोनी विधायक महेंद्र विश्नोई अपने विधानसभा क्षेत्र में जरूरतमंदों को जरूरतमंद सामग्री और भोजन सामग्री मुहैया करवा रहे हैं। अब तक 1000 से अधिक परिवारों को खाद्य सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते मजदूरी का जीवन यापन करने वाले लोगों के सामने खाने की समस्या खड़ी हुई है। इसी के चलते लूणी विधायक जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री वितरित कर रहे हैं। इधर लूणी के विकास अधिकारी मोहन राम चौधरी ने बताया कि लूणी क्षेत्र के सभी पेंशनधारियों रजिस्टर्ड श्रमिकों के खाते में राशि डाल दी गई है। दवा और दही बड़ा खिचड़ा यहाँ पे दौरा किया और यहाँ पे जरूरतमंद लोगों के लिए राहत सामग्री हमने पूरी यहाँ पे भी रखी है। जो जो लोगों की हमने सूची बनाई है जिनकी ज़रूरत है उनको हम हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हर गांव हर जगह कोई व्यक्ति भूखा नहीं होना चाहिए, तो हम उसी कड़ी के अंदर में काम करते हैं। मैंने मेरी तरफ से और जन सहयोग की तरफ से जो इकट्ठे किए पैसे उनसे मैंने किट बनाया है जिसके अंदर वो राहत सामग्री है पूरी, तो उनको मैं घर तक पहुँचा सकूँ। जिस ग्राम पंचायत में जाके मैं दे रहा हूँ और वहाँ पे ग्राम सेवक और जो दूसरे जनप्रतिनिधि हैं उनको मैं कह के बताता हूँ, जिस आदमी को जरूरत हो उस आदमी के पास भोजन पहुँचे हर हाल में। पंचायत समिति लूणी के अंतर्गत अभी वर्तमान में जो ऐसी कोरोना की परिस्थितियों की मद्देनजर रखते हुए सरकार ने जितने हमारे पेंशनधारी थे उनको 100% उनके खाते में पेंशन सरकार ने दे दी है और जितने हमारे रजिस्टर्ड श्रमिक थे उनके खातों में सरकार ने 1000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए और जो ऐसे व्यक्ति NFSA के अंदर थे उनको सभी को गेहूँ प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारे जून तक लगातार स्टॉक भी मिल रहा है, सभी जगह वितरित भी कर दिया है और जो इन सभी योजनाओं के अलावा भी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो एकदम ऐसे आए थे उनको कोई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, ऐसे व्यक्तियों का भी हमने सर्वे किया है और उनको भी 1000 रुपया सरकार कल या परसों में दे देंगे। हमारे पंचायत समिति लूणी में लगभग ऐसे सर्वे करने के बाद 4800 परिवार है जिनको 1000 रुपये कल या परसों में सरकार ट्रांसफर करेगी।